जी न्यूज में आप सभी के साथ मैं हूं शैली सैनी। सत्ता से बेदखल होने के 1.5 साल बाद भी घोटालों का जो भूत है वो कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा। नेशनल हेरल्ड केस में सोनिया राहुल की पेशी की तारीख आने से छटपटा रही कांग्रेस के लिए नई मुसीबत बनी है संसद में पेश हुई सीएजी की कुछ रिपोर्ट्स। क्या है इन रिपोर्ट्स में? इन रिपोर्ट्स में बड़े छोटे कई घपलों की ओर इशारा किया गया है। यूपीए 2 में 50,000 करोड़ का धान घोटाला, संसद में सीएजी ने पेश की सनसनीखेज रिपोर्ट। कांग्रेस की किरकिरी का नया सबब बन सकता है ये धान, क्योंकि सीएजी को घोटाले की नई बू चावल के इन दानों में से आई है। सीएजी ने अप्रैल 2009 से मार्च 2014 के बीच की ऑडिट रिपोर्ट को अपनी फाइनल रिपोर्ट में पेश करके संसद को ब्यौरा दिया। इसमें जिक्र किया गया है कि 2009 से 2014 के बीच सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत धान की खरीदी और मिलिंग में 50,000 करोड़ की गड़बड़ियां पाई गई हैं। सीएजी ने 9 मामलों का जिक्र करते हुए कहा है कि धान उपजाने वाले किसानों को बिना वेरिफिकेशन के लगभग 18,000 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दिया गया। इतना ही नहीं, धान के बाय प्रोडक्ट को कीमतों में शामिल किए बिना ही मिलर्स को 3,743 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने की बात भी इस ऑडिट से सामने आई है। इस खुलासे के बाद सीएजी ने 2 सिफारिशें भी की हैं। पहली, खरीद और मिलिंग की योजनाओं पर दोबारा विचार किया जाए। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाए। सीएजी ने संसद में 12 रिपोर्ट पेश की जो किसी न किसी तरह से पुरानी सरकार के खाते में जाती है। सीएजी ने एक रिपोर्ट में यूपीए 2 सरकार के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाने वाले खेल का भी खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2012 के बीच एक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए आरआईएल को 22,49,00,000 रुपए का अतिरिक्त फायदा पहुंचाने की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव यानी जीबीआई पाने वाले सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्रोजेक्ट डेवलपर्स को आयकर कानून 1961 के मुताबिक एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन यानी एडी पाने का हक नहीं है, लेकिन अगस्त 2010 से दिसंबर 2012 के बीच आरआईएल को ये दोनों फायदे हासिल हुए। इस पर आरआईएल को सवाल भेजे गए लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रिपोर्ट के मुताबिक आईआरईडीए ने मामला मंत्रालय को भेजने की बजाय 22,49,00,000 का जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव पास कर दिया। सरकार के कई विभागों को लेकर भी सीएजी ने संसद में रिपोर्ट पेश की, तो एक तरह से यूपीए 2 सरकार की नाकामियों का नक्शा सामने रख दिया। सीएजी ने रेल दुर्घटनाओं, खासकर आग से होने वाले हादसों पर रेलवे की खिंचाई की और रेलवे अधिनियम के पैरा 1967 में अब तक संशोधन न करने पर गंभीर सवाल खड़े किए, जिसमें आग से होने वाले हादसों के जिम्मेदार लोगों पर कड़े दंड का प्रावधान है। 2011 से 2014 के बीच हादसों का ब्यौरा देकर सीएजी ने स्मोकिंग पर सख्ती से बैन और हर कोच में फायर एक्सटिंग्विशर लगाने का सुझाव भी दिया। सीएजी ने जमीन का सही इस्तेमाल न कर पाने पर देश के बंदरगाहों पर भी सवाल खड़े किए हैं। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक देश के 12 बड़े बंदरगाह अपने पास उपलब्ध जमीन से भी आधी से भी इस्तेमाल करने में नाकाम रहे हैं। कुल 61% कार्गो भेजने वाले बंदरगाह उपलब्ध जमीन का सिर्फ 46.63% हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। देश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 2007 से 2014 के दौरान 190 रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मंजूर किए गए। इन पर 545 करोड़ रुपए खर्च हुए लेकिन 112 प्रोजेक्ट ही पूरे हुए। सीएजी के मुताबिक मंत्रालय अपने प्रोजेक्ट से अक्षय ऊर्जा के एक्सपर्ट्स को जोड़ने में नाकाम साबित हुआ। सीएजी ने एक अलग रिपोर्ट में स्वच्छता मिशन को भी फेल बताया है। रिपोर्ट में कहा है कि भारी पैसा खर्च करने के बाद भी स्वच्छता मिशन जमीनी हकीकत से दूर है। लक्ष्य को पाने में फेल तो रहा ही है, इसमें आर्थिक अनियमितताएं भी हैं। रिपोर्ट कहती है कि शौचालयों के निर्माण का स्तर ठीक नहीं है, कई निर्माण अधूरे हैं,
सीएजी ने कहा कि मोदी सरकार ने 2019 तक खुले में शौच की समस्या से निजात पाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इससे पहले 2012 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, जिसे बढ़ाकर 2017 किया गया, लेकिन देश के सैनिटेशन स्टेटस में खास फर्क नहीं पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में जिन जिन घोटालों का उजागर किया है वो हमने आपको बताया। ब्रह्म प्रकाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, खास तौर पर धान घोटाले की हम बात करेंगे। ब्रह्म प्रकाश, लंबी फहरिस्त है घोटालों की, लेकिन जब नाम लिया जाता है, बताया जाता है, तो कहा जाता है पॉलिटिकल वेंडेटा। बिल्कुल आपने सही कहा, और यूपीए 2 के दौरान देखें तो बड़े बड़े घोटाले सीएजी की रिपोर्ट से ही उजागर हुए हैं, चाहे 2G का मामला हो, कोल का मामला हो। अब ये धान खरीद में घोटाला सामने आया है, सीएजी ने साफ तौर पर इसमें कहा है कि मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं रही है और तमाम स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं, खरीद के लेवल पर गड़बड़ियां हुई हैं, और जिन किसानों से खरीदा गया उनका कोई प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, यानी पूरे लेन देन में गड़बड़ी पर साफ तौर पर सीएजी ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि बड़े पैमाने पर इसमें पैसों का खेल खेला गया, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ। और सीएजी ने सिर्फ धान खरीद में ही नहीं, कई जो दूसरी, चाहे रेल मंत्रालय की हो सीएजी की रिपोर्ट हो या फिर शिपिंग मंत्रालय की हो, तमाम तरह की गड़बड़ियों को जाहिर किया है। लेकिन बड़ा मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो धान खरीद घोटाला है, इसकी तरफ बड़ा मामला हो सकता है, जिस तरह से इशारा किया है कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं, और एक अंदाज़ा है कि 50,000 करोड़ से ज़्यादा का ये घोटाला हो सकता है, जिस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। जी, और वैसे हमेशा नारेबाजी की जाती है हम गरीबों के साथ है, लेकिन उन्हीं का निवाला आप छीन रहे हैं, धान घोटाला करते हैं 50,000 करोड़ का। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक साल में नहीं हुआ, 2009 से लेकर 14 तक लगातार बीते 5 साल में लगातार ये गड़बड़ियां चलती रहीं, जो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया है। अभी देखिए, संसद में लगातार हंगामा चल रहा है, किसान मर रहे हैं सूखे के चलते, उनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, लेकिन उन पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। कांग्रेस लगातार हंगामा कर रही है। वो किस वजह से हंगामा? क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में उनके टॉप लीडर्स फंसे हुए हैं, आरोप हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर। लिहाजा कांग्रेस का एक तरफ संसद में हंगामा चल रहा है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है कि यूपीए 1 और 2 के दौरान जो बड़े बड़े घोटाले हुए और जो उंगलियां सीएजी ने उठाई हैं, उनका कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं। जी, और ब्रह्म प्रकाश, सबसे बड़ी मुसीबत यहां पर यही लगती है आम जनता को कि हर बार घोटालों की लिस्ट सामने आती है, लेकिन जिस पर आरोप लगा होता है वो जवाबदेही से बचता है, हंगामा करने लगता है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।